अगर आपको लगता है कि ये दुनिया सिर्फ एक है तो ये एक दुनिया नहीं है। हाँ, हम सब एक दुनिया में रह रहे हैं, प्लैनेट अर्थ जिसे आप कहते हैं, धरती, धरती माँ जिसे हम कहते हैं, जो दुनिया है, जो गोल है, जो घूम रही है, ब्लू प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी। तो ये हम सब एक दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन दुनिया एक नहीं है, सिर्फ एक दुनिया नहीं है। सोचो मैं जो कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सवाल उठता यह है कि अगर एक दुनिया नहीं है तो कितनी दुनिया है? 8.1 बिलियन दुनिया है। जी हाँ, 8.1 बिलियन दुनिया है, क्योंकि इस धरती पे उतने सारे लोग हैं, और जितने सारे लोग हैं सबकी अपनी अलग अलग दुनिया है। मैं जिस तरीके से इस दुनिया को देखता हूं, शायद आप नहीं देखते हैं। जैसे आप देखते हैं, आपकी वाइफ नहीं देखती, या आपका हस्बैंड नहीं देखता, आपके दोस्त नहीं देखते, सबका नजरिया अलग होता है। देखो, एक होती है नजर, ये, अरे ये नजर, और एक होता है नजरिया, यानी कि परसेप्शन, आप कैसे परसीव करते हैं चीजों को, आप कैसे देखते हैं चीजों को, आप क्या देख रहे हैं की बात नहीं, आप कैसे देखते हैं। तो नजर एक होती है और नजरिया एक होता है। तो 8.1 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, तो सबका अलग अलग नजरिया है दुनिया को देखने का, तो इसलिए 8.1 बिलियन दुनिया है। समझ में आया? सही है ना? तो तभी तो ये सब प्रॉब्लम होती है, कलेश होते हैं, बिकॉज सबका अपना अपना अलग तरीका है, सबको लगता है मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं, और उनका भी देखने का तरीका हमसे अलग है। तो कभी कभी अगर हम उनके नजर से देखेंगे तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी नजर आएगा, और शायद समझ में भी आएगा, एंड शायद चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी सबके लिए, है ना? चलो, तो अभी नेक्स्ट टाइम आप सोचेंगे कि एक दुनिया करें तो 8.1 बिलियन दुनिया। अब पहले कम थी, जब 2 बिलियन लोग थे, 5 बिलियन लोग थे, पता नहीं आगे चल के और लोग कम होंगे या ज्यादा होंगे, पर जो भी है, एंजॉय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।